मॉर्निंग एवरीवन। और अभी बज रहा है सुबह के पूरे पूरे 3 और मैं पता है कब से जगी हूँ, 2:05 हो रहा था ना, तब से जगी हूँ। नींद नहीं आ रही थी सुबह से, लग रहा था कि मतलब नींद आ जाएगी तो इसलिए। चलिए अभी सर्दी का भी टाइम हो गया है तो मैं फ्रेश व्रेश हो चुकी हूँ, बाकी सारी तैयारियाँ जो है ना वो भी मैंने कर ली है। और अभी पूरे पूरे 3 बज रहे हैं तो अब मैं जा रही हूँ अभी पूजा जो मुझे घर में करना है वो स्टार्ट करने, और उसके बाद से भी जब घर में कर लूँगी तो छत पर भी जाना होता है वहाँ भी चलेंगे। तो गाइस, सर्गी से पहले होती है ये सारी पूजा जो कि अद्वितीय में ही होता है, सबके घर में यही होता है क्योंकि अपने पूर्वजों के लिए इसमें पहले पूजा की जाती है, उसके बाद से ही कुछ किया जाता है। सर्गी से पहले सब कुछ होता है तो हम लोगों के घर ऐसे ही होता है। मॉर्निंग में जब मैं 3 उठी तो उसके बाद 3 के पहले ही घर में उठ गई थी, 2 के आसपास लेकिन जगी थी। और उसके बाद से पूजा की मैंने घर में, उसके बाद से अभी मैं लेके जा रही हूँ ऊपर जो मैंने निकाला हुआ था सब चीज़ों में से। और यहाँ पे चीलो सियारिन जो होते हैं ज्योत महाराज, उनको मतलब देने के लिए यहाँ पे जाते हैं तो कहीं कोने में एक अच्छे जगह पे रख देते हैं तो मैं यहाँ पे रख दूँगी। और जो भी पूजा पाठ होता है अगरबत्ती वगैरह मैं लेके आई हूँ तो यहाँ पे पूजा करने के बाद अब जाएंगे नीचे, उसके बाद से अभी सर्गी होगी हमारी। तो थोड़ा बहुत पता है सबके घर तो पूजा एक ही तरह से होती है और ये मतलब हमारे बिहार की अनोखी परंपरा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि और जगहों पे देखें ना तो होता तो ज़रूर है, बच्चों के लिए दूसरी दूसरी पूजा की जाती है। जैसे कि दिल्ली वगैरह में उधर देखेंगे ना तो होली अष्टमी करके ये पूजा होती है, बहुत जगह कर्मा पूजा होता है वो बहुत लोगों के घर में होता है, बहुत लोगों के घर में जीतिया होता है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत जो होता है ना चेंज होता है, पूजा एक ही तरह से होती है तो बच्चों के लिए ये पूजा होती है। और बस यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी और अपना सर्गी खाना मैं स्टार्ट कर दी थी। वैसे तो सुबह सुबह मन तो उतना नहीं होता है लेकिन हाँ लगता है कि हाँ चलो 24 घंटे से अधिक लगभग 36 घंटे मान लीजिए तो हो ही जाता है, तो उस तरीके से व्रत करना है। और एक ये नियम भी होता है तो वो नियम पालन करते हुए यहाँ पर हो गई थी मेरी। तो गाइस मेरा जो सर्गी था वो हो चुका है लेकिन ये लेके आए हैं नारियल पानी, वो भी इतना बड़ा इसका मतलब नारियल पानी ये देख के लग रहा है कि मैं पी नहीं पाऊँगी पूरा। और ये भी उठ गए हैं अभी तो चलिए देखते हैं ख़त्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। उठे ये उठे हैं साथ साथ में आंखें लाल लाल करके। तो अभी फिर से अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, 4 बज गए हैं अभी एकदम से पूरे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अपनी कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ तो चलिए वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने दशहरा स्पेशल कुछ चीज़ें बाय की है तो सोचा अभी मैं देख ही रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी साथ ही साथ शेयर करते चलते हैं, वरना फिर बाद में निकालो थोड़ा टाइम लग जाता है ऐसे करके। तो ये दशहरा स्पेशल जो मेरी शॉपिंग हुई है ये अमेजोन से मेरी शॉपिंग हुई है एंड अभी अमेजोन पे पता है 50-80% का डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं कहीं तो 90% का भी डिस्काउंट मिल रहा है, खास करके ब्यूटी एंड फैशन की चीज़ों में। ऐसे तो सारी चीज़ों में मतलब उसका डिस्काउंट है लेकिन ब्यूटी एंड फैशन में ज़्यादा ही कुछ डिस्काउंट है, तो मैंने भी इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाया है और शॉपिंग कर डाली है मैंने भी। तो ये मैंने ओपन अभी मैंने ओपन ही किया था इसको, तो ये मैंने एक साड़ी मंगाई हुई है, तो ये है मैजेंटा कलर में ये साड़ी एंड इसका आप लुक देख सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जैसे एकदम से जैसे जॉर्जेट स्मूथ होता है ना उसी टाइप से है, लेकिन ये सिल्क वाला है तो ये सिल्क की साड़ी है और
इसका जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। इसका हमें पल्ला मिल जाता है ये वाला मेजेंटा एंड गोल्डन कलर में, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप देख सकते हैं पहनने के बाद भी बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। बॉर्डर इसका काफ़ी अच्छा है, खास करके ना इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, मतलब हम ये पार्टी वियर के भी ले सकते हैं, पार्टी वियर हो या फिर कहीं ऐसे फंक्शन हो, हमारे घर में भी फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, हम कहीं भी वियर कर सकते हैं। कुछ इस टाइप की ये साड़ी है, तो पूरा का जो पूरा इसका है ना सेम पैटर्न है, मतलब पूरे साड़ी में और बॉर्डर सेम है, बस इसका ब्लाउज पीस जो है वो हमें मिलता है ऐसे, तो ये वाले लाइन लाइन में ना हमें ब्लाउज पीस मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके से है। एंड अगली शॉपिंग, अगली वाली मैं साड़ी आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो बहुत इससे भी ज़्यादा प्यारी है वो साड़ी। तो नेक्स्ट साड़ी जो है ये है सिल्क बनारसी, ये साड़ी ली है मैंने और ये बहुत ही ज़्यादा वेटेड साड़ी है, मतलब बहुत भारी भरकम साड़ी है ये, हमें इसके पल्लू में मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और ये मैंने पता है 90% डिस्काउंट में ये साड़ी ली है, बहुत टाइम से मैं देख रही थी बट इतना ज़्यादा हाई रेट था ना कि नहीं ले पा रही थी, तो आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का। और यहाँ पे इसका मैं जो साड़ी का है ना लुक आपको दिखा देती हूँ पूरा, तो ये हमें मिल जाता है ये वाला जो है ना रानी पिंक में, पूरी साड़ी वैसे रानी पिंक में है, इसका जो साइड में जो पाइपिंग दिया हुआ है ना साड़ी में ये वाला ग्रीन है एंड इसका ब्लाउज पीस जो है ना वो हमें ग्रीन और पिंक में मिल जाएगा, रानी पिंक में, तो ये हमें मिलेगा ब्लाउज पीस और इसका बॉर्डर जो है वो हमें ग्रीन में मिलेगा। तो ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब खास करके ना शादी ब्याह का टाइम हो, शादी ब्याह में पहनने के लिए ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो उसी पर्पज से मैंने भी ली है कि चलो दशहरे में हो जाएगा या फिर कुछ अगर फंक्शन पड़ता है तो भी हम ये चीज़ पहन सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट वन मैं आपको दिखा रही हूँ, तो नेक्स्ट वन मैंने मंगाया है लेगिंग्स, तो ये भी ऑफर में था प्लस ये कॉम्बो में था, तो मैंने तीन तीन एक साथ बाई किया है, वाइट रेड एंड स्किन कलर। तो मैंने इसको ना खोला था, खोल के देखा है वैसे, और इसका साइज़ जो है ना बिल्कुल भी सही आ रहा है, बिल्कुल सही है साइज, तो ये मैं लेगिंग्स आपको खोल के दिखा दे रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। और इसमें नीचे के साइड में ना ऐसा नहीं है, मतलब जो होता है ना एंकल वाला कि ऊपर थोड़ा रहेगा, तो वो वाला ये नहीं है, एंकल वाला दूसरा आता है, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग जो होता है जो इसमें चूड़ी बनती है थोड़ी सी वो वाली है ये। तो तीनों मैंने एक ही कॉम्बो में था तीनों को, तो तीनों को मैंने बाई किया और ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला है। मुझे अभी अगर बाहर में ख़रीदने भी जाऊँ ना तो इतनी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मैंने अपने फ़ायदे के अनुसार मैंने अपनी चीज़ें बाई कर ली। और ये वाली साड़ी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा इसको। तो चलिए ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग है, इसमें से किसी का भी आपको लिंक चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट दिखाई देगा एंड उसके बाद ना आपको सिमिलर प्रोडक्ट भी दिखाई देगा, अगर आप ये नहीं बाई करके वो दूसरे कलर में बाई करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे कलर भी अवेलेबल है, क्योंकि जो भी मैंने दोनों साड़ियाँ ली है ना दोनों साड़ियों में कलर अवेलेबल है, हर कलर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी ब्लॉग में बढ़ती हूँ आगे। तो गाइज़ बस मैं रेडी ही हो रही थी और अभी मुझे थोड़ा सा रेडी होना है, तो चलिए अभी रेडी होती हूँ, उसके बाद से मैं पूजा पाठ स्टार्ट करूँगी, जीतिया पूजा की पूजा स्टार्ट करूँगी, कथा सुनूंगी, तो ये सब चीज़ें हैं। और स्पेशल तो होता है इसमें हमारे यहाँ पे अरियार बरियार का पौधा जो होता है उसको पकड़ के और जो कुछ बोला जाता है और अपने बच्चों के लिए कुछ बोला जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी होती है, लेकिन यहाँ पे पौधा नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि बस देख लेती हूँ घर पर या फिर कहीं भी फ़ोटो भी आ जाता है तो मैं या फिर वीडियो आ जाता है तो वो मैं देख लेती हूँ, तो वो हो जाता है। और कथा पूजा जो होती है वो मैं खुद से कर लेती हूँ, तो चलिए अभी मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आई छत पे, सूरज भगवान अब थोड़ी देर में डूब जाएंगे 10-15 मिनट में, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले जल दे देते हैं, तो मैं छत पे चली आई थी जल देने के लिए। और जब भी हम कभी व्रत रहते हैं, हमारा व्रत रहता है तो जब निर्जला उपवास रहता है तो जल देते हैं हम लोग, चाहे कोई भी व्रत हो। तो मैंने अभी जल दे दिया है और अब चल के मैं करूँगी पूजा और उसके बाद से सुनूँगी कथा, और मुझे जीतिया वाली जो धागा होती है वो धागा भी मुझे अभी रेडी करनी है,
रेडी करनी है, मतलब कि उसमें गांठ वगैरह लगाते हैं ना, तो वो गांठ लगाना है मुझे। मैंने जीवित पुत्रिका व्रत की जो पूजा होती है वो अपने शुरू कर दी थी। तो एक्चुअली ये पूजा जो होती है ना, जैसे अरियार बरियार का जो पेड़ होता है वहाँ पे रख के वहीं पे बैठ के कथा सुनते हैं, वहीं पे सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम लोग मैनेज करके अपना, जो भी लोग बाहर में रहते हैं, कहीं और रहते हैं जहाँ पर नहीं मिल पाता है पौधा, तो ऐसे ही करते हैं, मतलब घर में ही अपना कर लेते हैं पूजा पाठ सब कुछ और कथा सुन लेते हैं, या कोई दो चार लोग साथ में होते हैं तो वो लोग एक दूसरे को सुना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, परी को प्रिंसू को मैंने बिठा रखा था और हम लोग कथा सुन रहे थे यहाँ पे। और जो हमारे यहाँ पे हुआ, जैसे मायके ससुराल कहीं भी हुआ, तो वहाँ पौधा आसानी से मिल जाता है और बढ़िया से हो जाता है, और वहाँ पता है बहुत अच्छा भी लगता है, जैसे सामने में जैसे करने में। और बरियार अरियार बरियार के पेड़ को ना पकड़ के कुछ कहा भी जाता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी की एक क्लिप है, मतलब मेरे मायके से आई है, तो वो मैं लगा रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से होती है पूजा यहीं पर, जैसे पौधा लगा के। और पहले अगर पौधा होता था ना तो एक जगह पे होता था, बहुत सारे लोग आते थे पूजा करने के लिए। अब पौधा मिल जाता है तो लोग गमले में भी लगा लेते हैं, और यहाँ पे मम्मी और भाभी दोनों पूजा कर रहे हैं साथ में, और कुछ इसी तरीके से होता है। तो ये चीज़ मैं थोड़ा बहुत मिस करती हूँ कि ये पौधा नहीं मिलता है, या फिर हम लोग नहीं कर पाते हैं वैसे पूजा, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है उतना हम लोग करते हैं। तो मैंने भी अपनी जीतिया को ना भगवान के पास चढ़ा दिया था, यहाँ पे पौधे के पास ना चढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद से ही खुद पहनते हैं। तो बस यहाँ पे फल फ्रूट जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे किया है वैसे ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से होती है पूजा हमारे यहाँ पे। और ये पूजा बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कोई भी माँ होती है, कोई भी मतलब कितनी भी एजेड हो जाए कोई माँ, वो व्रत ना ये व्रत नहीं छोड़ती है, क्योंकि ये व्रत ऐसा होता ही है और निर्जला व्रत होता है इतना लंबा सा। और बेसिक ये बात है ना कि इसकी जो पारण की होती है ना, पारण की भी टाइमिंग अलग अलग होती है, क्योंकि अष्टमी में पारण नहीं करते हैं, नौमी में पारण करते हैं, ऐसे कुछ धारणा चलती आ रही है। तो जिसके वजह से अभी भी फॉलो करते हैं सब लोग, और जो भी पुरानी परंपरा है ना वो तो चलती ही आएगी। तो देखिए यहाँ पे मम्मी ना पकड़ के अरियार बरियार के पेड़ को पकड़ के कुछ कह रही हैं कि जीतिया के बारे में, तो ऐसे ही किया जाता है। तो मैं बस यहाँ पे ना खुद से बोल ली और बुक पढ़ ली, फिर कथा जो होता है वो सुन ली मैं, फ़ोन से सुन ली मैं। तो ऐसे करके हमारा भी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गया यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना तो मज़ा भी आता है कि तीन चार लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, वहीं पे पूजा पाठ हो गई, लेकिन मेन बात है कि जो पौधा है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से सब लोग अपने अपने घर में कर लेते हैं। तो आप लोगों की जीतिया पूजा कैसी रही कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता और उनके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। जो भी महिला आज के दिन इस व्रत की कथा को सुनती है उसे कभी भी तो बस पूजा हो गई थी मेरी संपन्न, और मैं परी प्रिंसू के साथ यहाँ बैठी थी, ये लोग देख रहे थे टीवी इस टाइम पे। और यहाँ पे परी ना बार बार मेरे से पूछ रही थी कि आज इसने कितनी बार पूछा होगा मेरे से कि आज मम्मा आपने कुछ नहीं खाया, और मतलब किसके लिए व्रत हो ये वो करके। तो मैं सारा चीज़ इसको बताई कि हाँ बच्चों के लिए किया जाता है, मैं आप लोगों के लिए पूरा निर्जला व्रत हूँ। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप का होता है ना वैसे करके, कई बार पूछी वो कि मेरे लिए कर रहे हो, प्रिंसू के लिए कर रहे हो। तो अच्छा लगता है कि जब बच्चे भी इतना मतलब समझदार हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे ना, तो बहुत अजीब लगता है एकदम से। Thank you.
गाइस अभी जीवित पुत्री का व्रत का जो कथा होता है, पूजा होता है, सब कुछ हो चुका है मेरा और हम लोगों के यहाँ ना, और हमारे यहाँ पे जैसे मैंने जूतियाँ इस टाइम पे पहन ली है पूजा पाठ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद इस टाइम पे बहुत लोगों के यहाँ सुबह में पहना जाता है, तो ऐसा करके है। और इस टाइम पे भी सब कुछ संपन्न हो चुका है, सब कुछ अच्छे से हो गया और बढ़िया से हो गया। तो चलिए अभी इस टाइम पे अब थोड़ा सा बच्चों के लिए खाना पीना बनाएंगे एंड अभी ऐसे ही निर्जला व्रत रहेगा, कल सुबह तक निर्जला व्रत रहेगा। पारण का टाइम भी इसमें होता है, पारण टाइम से ही किया जाता है, तो कल देखते हैं कब अष्टमी खत्म होती है, उस टाइम पे होगा पारण। तो अभी ये छोटा सा ब्लॉग जो था, जीतिया का ब्लॉग जो था, फुल ब्लॉग ये अभी एंड करती हूँ और पारण कल, तो कल के ब्लॉग में आप लोगों को मिलेगा, कल होगा। तो चलिए अभी के लिए ब्लॉग एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।